हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, फेस्टिवल स्टार्ट हो चुके हैं, इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं कुछ आज फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ DIY करती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये कुछ एक कार्डबोर्ड के पीस सर्कल में कट कर लिए हैं, और मैंने इसके लगभग 8 पीस लिए हैं क्योंकि मुझे इसको थोड़ा थिक करना था, तो मैंने 2 को 1 कर लिया। और इसको स्टिक करने के बाद फिर मैंने वॉल पुट्टी का एक पेस्ट बनाकर इस तरीके से इसको कवर कर लिया। ये मैंने इसको कॉर्नर्स भी किए हैं, पीछे का पीस नहीं किया है। फिर जब ये मेरा सूख गया तो काफ़ी अच्छा थिक हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया ये मेरा पीस। फिर मैंने इस तरीके से इस पर कलर किए, 2 को मैंने रेड किया और 2 को मैंने येलो किया। ये रेड वाले पर मैं इस तरीके से स्टोन वर्क कर रही हूँ, ये एक स्टोन लगाया, फिर इस तरीके से मैंने ये गोल्डन कलर से इसको फिल कर दिया और गोल्डन आउटलाइन की है, इस तरीके से ये मैंने इसको किया। अब फ्रेंड्स, इस तरीके से जैसे फेस्टिवल आ चुके हैं तो घर में काफ़ी सारा काम होता है, शुरुआत हो चुकी है, नवरात्रि आने वाले हैं, तो धीरे धीरे हम घर की सफाई शुरू करेंगे। तो मैंने सोचा अभी से ही शुरुआत कर देती हूँ कुछ DIY करने की। तो ये इस तरीके से मैंने इसको डेकोरेट किया। इसको मैं डेकोरेट करने के लिए जो हमारे आउटलाइनर आते हैं 3D आउटलाइनर, मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। ये इस तरीके से मैंने कुछ स्टोन लिए हैं, स्टोन का यूज़ किया है, और मेरे पास वाइट, ब्लैक और सिल्वर कलर में आउटलाइनर रखे थे, मैंने उनका यूज़ किया है। कुछ छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं उनका यूज़ किया है, और इस तरीके से मैंने इसको डेकोरेट किया। और मैंने इनके ऊपर जो रेड वाले कलर के हैं, इनके ऊपर मैंने एक के ऊपर शुभ लिखा है और एक के ऊपर लाभ लिखा है। तो ये इस तरीके से मेरे शुभ और लाभ बनकर रेडी हो गए। इस तरीके से मैंने 2 येलो बनाए थे, येलो को मैंने सिंपल रखा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरा शुभ लाभ एक बनकर रेडी हो गया। तो इसमें आप चाहें तो ये येलो वाले पीस स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर चारों इस तरीके से बनाएंगे तो ये अच्छा बनेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरा शुभ लाभ बनकर रेडी हो गया। कैसा लगा आपको प्लीज़ बताएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।